पुष्पा देवी के बाद कैलाश दास। कैलाश दास पिता कालीदास। हेलो। और इसके बाद पार्षद स्थापित परिवारों के लिए नामांतरण के शुद्धि पत्र का वितरण होगा। सबों के लिए शुद्धि पत्र बन चुके हैं। अभी टोकन के रूप में हम 6 को मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर्म करो। एक तो ही आएंगे, बाकी सबों को मिल जाएगा। प्रदीप नाम पिता प्रभु नाम। इनके स्वरूप को देखकर कहीं आप तालियां बजा दीजिए। आज के युग में भी कम से कम ये विलक्षणता तो रखते हैं। प्रदीप नाग, सावित्री देव्या, और बाकी सबों को मिल जाएगा पट्टा। और अब मिस झारखंड, मिस झारखंड अनुष्का आनंद, जिसने नेशनल लेवल के कॉन्टेस्ट में मिस झारखंड इंडिया की उपाधि प्राप्त की, और उतने सारे कॉन्टेस्टेंट के बीच में अपने आत्मविश्वास और जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज और शरीर के प्रति सजगता के माध्यम से इसने अपने आप को मिस झारखंड का खिताब दिलवाने का कारगर किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय 1,00,000 रुपये का चेक देकर के इसे सम्मानित कर रहे। जोरदार तालियां। ये हौसला अफजाई का एक और ये बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि यहाँ उपस्थित लोगों को संबोधित करने की कृपा करें। मंच पर विराजमान हमारे मंत्री परिषद के सभी मंत्रीगण, डॉक्टर लुईस मरांडी जी, श्री अमर मौर्य जी और गोड्डा के लोकप्रिय सांसद श्री निशिकांत दुबे जी, देवघर के माननीय विधायक श्री नारायण दास जी, कांके के माननीय विधायक श्री जीतू चरण जी, श्री जानकी जी, जयमुंडी के विधायक श्री बादल जी, बालम जी, संदार प्रगना के आयुक्त, पर्यटन सचिव, निदेशक पर्यटन, उपायुक्त देवघर, आरक्षी अधीक्षक और उपस्थित सभी श्रद्धालुगण, विशेष रूप से आज के इस कार्यक्रम में राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुत्र वधु श्रीमती निहारिका जी, सांसद पत्नी श्रीमती दुबे जी और उनके साथ आए सभी अतिथिगण, प्रेमियों, सज्जनों और मीडिया के साथियों, मैं सर्वप्रथम राजस्थान के मुख्यमंत्री के पुत्र वधु श्रीमती निहारिका जी, उनके साथ आए सभी अतिथियों का झारखंड की धरती में और इस देवनगर के धार्मिक नगरी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सावन का महीना में सबको सावन का खुला कर गया और इस सावन का महीना हिंदू संस्कृति और भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण महीना है और इस महीने में हम सभी जो ये देवनगरी, जो धार्मिक नगर, ये हिंदू का एक पवित्र स्थल है और इस पवित्र स्थल के मेला का उद्घाटन पे हम आज पहुंचे हैं। आज यहाँ का जो जिला प्रशासन के द्वारा जो देश भर के 12 ज्योतिर्लिंग, जहाँ लोग नहीं जा पाते हैं, यहाँ आके आप दर्शन करके आप उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं, क्योंकि भारत की संस्कृति में ये कंकर को भी हम शंकर मानते हैं। ये हमारी संस्कृति ऐसी है कि कंकर को भी शंकर। तो जो हमारे झारखंड के या बाहर के लोग द्वादश ज्योतिर्लिंग जाने की क्षमता नहीं,
वो यहाँ आकर इसका आनंद ले सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते। यह स्थल बहुत उपयुक्त जगह, अभी हम एक ऋषि साहब से बात कर रहे थे, जनप्रतिनिधि से भी बात कर रहे थे, इस जगह का नाम आप होगा शिवलोक। और चार जो हमारा मोक्ष धाम है, केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ, चारों मोक्ष धाम इस कैंपस में परमानेंट बने, ताकि हमारे गरीब या अत्यंत निर्धन परिवार के लोग या हम चारों धाम नहीं जा सके तो इस देवनगरी धार्मिक नगरी में आकर आप चारों धाम का आनंद उठा सकते हैं, आशीर्वाद आप चारों धाम से ले सकते हैं। इस सावन के बाद इस पर हम लोग काम करेंगे और कोशिश करेंगे अगला साल तक यहाँ शिवलोक में चारों धाम स्थापित, शिवलोक में स्थापित। देखिए, विकसित जहां पर्यटक रहेंगे वहीं ज्यादा पर्यटक आएंगे, और ज्यादा पर्यटक आएंगे तो राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ साथ रोजगार के अवसर भी ज्यादा खुले। इसलिए सरकार हमारी झारखंड की जितनी भी हो, चाहे इको टूरिज्म हो, सांस्कृतिक टूरिज्म हो, मेडिकल टूरिज्म हो, हर सेक्टर में काम करके अधिक से अधिक ये जो राज्य में बेरोजगारों की फौज, इस बेरोजगारों को हाथ में रोजगार, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार काम कर रही है। अभी आप देखें हमारी झारखंड की महिलाएं बहुत पहले से उद्यमशीलता और विशेषताओं का गुण है। इस कैंपस में घूमने के दरमियान आप देखें हमारी झारखंड की बहनों में कितनी उद्यमता और विशेषता है। अब इसे स्किल्ड करना, और स्किल्ड लोग हो रहे हैं, स्किल करके मार्केटिंग की व्यवस्था करना। अब जो अगरबत्ती हमारी बासुकीनाथ हो, चाहे यहाँ हमारी दीदी लोग जो बना रहे, ये अगरबत्ती को हमें और बनाना, और ब्रांड इसका डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, उसके बाद मार्केटिंग। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि राज्य में अब बाहर का अगरबत्ती कम से कम आए, झारखंड के हमारे दीदियों के द्वारा उत्पादन किया वंचित यहाँ भी। ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 2022 तक हर गांव गरीब किसान के आय को दुगुना, तो सिर्फ खेती से आय का दुगुना नहीं हो सकता, खेती के अतिरिक्त हमें दूसरे और छोटे छोटे ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग जैसे जाल गांव में जाल बिछा नहीं हो रहा, ताकि 2022 तक इस झारखंड का हर गांव में हर गरीब समृद्धशाली बने। इस संकल्प के साथ हमारी सरकार काम कर रही है, और इस संकल्प को पूरा करने के लिए ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा संकल्प लेकर सिद्धि तक पहुंचने के लिए भगवान शिव से हम आराधना कर रहे हैं, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि भगवान हम सबों को इतनी शक्ति देगी, 3.25 करोड़ जनता को, कि 2022 में एक एक गरीब समृद्धशाली। जब तक गरीब समृद्धशाली नहीं होगा, जब तक गांव समृद्धशाली नहीं होगा, ये राज्य समृद्धशाली नहीं। और देवघर आने वाले आप 2-3 साल के अंदर देखेंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर का शहर ये बन के रहेगा, क्योंकि मैंने संकल्प लिया, हमारी सरकार ने संकल्प लिया। इतनी इतनी चीज अभी निशिकांत में जी बता रहे थे, किस प्रकार हमारे जिसको जमीन लिया उसको किस प्रकार पुनर्वास करने का, सिर्फ नहीं यही नहीं, रांची में भी जो झारखंड विधानसभा बना वहां भी कुके गांव का हम लोग ने विस्थापितों को 245 करोड़ रुपए सिर्फ वो विस्थापित के घर बनाने में राज्य सरकार खर्च कर। हमारी सरकार है कि पहले पुनर्वास उसके बाद विस्थापन, इस सरकार पर इस धरने पे चल रही है। और उसी तरह इस विस्थापित को जो आज पट्टा दिया गया 700 फुट का घर बनाने का काम, और नागरिक सुविधाएं जिसमें राज्य सरकार 10 करोड़ चाहे
कम्युनिटी हॉल हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट सेंटर हो, चाहे मंदिर मस्जिद के निर्माण में हो।